हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं आज बॉक्सिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद बॉक्सिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा और इस वीडियो के अंतर में ही सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है एंड थ्योरी सेशन डिटेल में बताया गया है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया गया है, वन लाइनर क्वेश्चंस कराया गया है और डेली बेसिस में मैं 10 से 12 हज़ार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, आपने बॉक्सिंग के बारे में अभी तक तो बहुत सारे कुछ पढ़ा होगा, अपना स्कोर चेक कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पुगलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बॉक्सिंग के खिलाड़ी को पुगलिस्ट बोला जाता है, तो पुगलिस्ट को बॉक्सर, ठीक है, बॉक्सर को हम क्या कहते हैं, पुगलिस्ट बोलते हैं। तो पुगलिस्ट क्या होता है, एक पेशेवर मुक्केबाज या बॉक्सर की तरह होते हैं जो अपने मुक्कों से लड़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं। तो बॉक्सिंग के जो मुकाबले होते हैं वह 3-3 मिनट के 10 से 12 यानी 9 से 12 चक्रों में संपन्न होता है। बट यहाँ निकटतम आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 से 12 चक्र। जैसा कि इसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ लेती हूँ कि बॉक्सिंग के मुकाबले में आमतौर पर 3-3 मिनट के 9 से 12 चक्र होते हैं। यानी एक बाउट कितना होता है, एक बाउंड में 3 राउंड होते हैं। एंड दिए गए विकल्प के अनुसार निकटतम उत्तर होगा सी, ठीक है। बॉक्सिंग से संबंधित कुछ विशिष्ट जैसे कि शब्द है पंच, जॉब, क्रॉस हुक एंड अपर कट, ये रिलेटेड है आपके बॉक्सिंग से और बहुत बड़ा अपर कट आया हुआ है एंड पंच। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जाने तो एमेच्योर बॉक्सिंग में पुरुषों के 3-3 मिनट के 3 चक्र तथा महिलाओं के 2-2 मिनट के 4 चक्र होते हैं। बॉक्सिंग राउंड की संख्या पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 4 राउंड होते हैं, यानी कि पुरुषों के लिए 3 राउंड प्रत्येक राउंड 3-3 मिनट का एंड महिलाओं के लिए 4 राउंड प्रत्येक राउंड 2-2 मिनट का। एंड दोस्तों, राउंड का समय पुरुषों के लिए 3 मिनट और महिलाओं के लिए 2 मिनट, राउंड के मध्य अंतराल 1 मिनट का होता है एंड जो दस्ताना ग्लव्स पहने रहते हैं उसका वजन 8 से 10 औंस होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 8 से 10 औंस यानी 227 से 284 ग्राम। एंड जो रिंग होता है वर्गाकार होता है, ठीक है, जो बॉक्सिंग का ग्राउंड होता है उसको रिंग बोला जाता है। रिंग का आकार वर्गाकार होता है, चौकोर, जो 20x20 फीट का होता है यानी कि 6.10x6.10 मीटर। एंड वर्ष 1904 में बॉक्सिंग को आधुनिक ओलंपिक में शामिल किया गया एंड बॉक्सिंग में एंड महिलाओं को ओलंपिक में शामिल किया गया बॉक्सिंग में 1912 लंदन ओलंपिक में। एशियाई खेलों में बॉक्सिंग को शामिल किया गया 1954 में, ठीक है। एंड इसके बारे में बात करें तो विश्व मुक्केबाजी संघ की स्थापना 1946 में हुआ एंड भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना 1949 में हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा एक राउंड की अवधि 3 मिनट की होती है, राउंड कितने होते हैं, 3 राउंड होते हैं, ठीक है, 3 राउंड होते हैं। जैसा कि दोस्तों, एक बाउट में 3 राउंड होता है, इस प्रकार बॉक्सिंग में के मुकाबले में यानी एक बाउट में 3 राउंड होता है, 3 बाउट में कितना होगा, 3×9 यानी कि 9 से 12 चक्र होंगे। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि बॉक्सिंग के मुकाबले में आमतौर पर 3-3 मिनट के 9 से 12 चक्र होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्केबाज यानी बॉक्सिंग के खेल में एक दौर राउंड की अवधि कितनी होती है। तो 3 मिनट, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्केबाज यानी बॉक्सिंग में प्रयोग किए जाने वाले दस्ताने यानी जो ग्लव्स होता है उसका वजन कितना होता है। तो उसका वजन होता है 8 से 10 औंस, कितना, 8 से 10 औंस। नेक्स्ट है मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग। रिंग जो होता है मुक्केबाजी का चौकोर होता है जो 20x20 फीट यानी कि
फीट में पूछेगा तो 20 × 20 फीट एंड मीटर में पूछेगा तो 6.10 × 6.10 मीटर होता है। और रिंग की ऊंचाई जो है 3 से 4 फीट होता है। कितना ऊंचा होता है रिंग जमीन से? 3 से 4 फीट। एंड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो 1904 में मुक्केबाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया, आधुनिक ओलंपिक में, एंड एशियन खेलों में 1954 में शामिल किया गया। एंड वर्ष 1949 में बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई एंड मुंबई में 1950 में राष्ट्रीय स्तर की पहली प्रतियोगिता हुई। और अंतर्राष्ट्रीय विश्व मुक्केबाजी संघ 1946 में, और भारतीय मुक्केबाजी संघ 1949 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग पुरुष में भार वर्ग का मिलान उनके शरीर के वजन से संबंधित सीमा के भीतर किया जाता है। नीचे दिए गए सूची में से गलत मिलान को चुने। तो यहाँ पे 4 मिलान दिया हुआ है इसके वेट कैटेगरी पुरुष के संबंध में, तो यहाँ पे 1 ऑप्शन गलत है, 4-3 सही है, तो गलत ऑप्शन को आपको चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है और सब तीनों सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्सिंग लाइट वेट भार वर्ग के अंतर्गत खिलाड़ियों के शरीर का वजन होता है 57 से 60 किलोग्राम, जबकि यहाँ पे दिया है 52 से 56, इसलिए गलत है। उसके अलावा ये सभी सही है। वेल्टर वेट 64 से 69 किलोग्राम होता है, मिडल वेट होता है 70 से 75 किलोग्राम, एंड हैवी वेट होता है 81 से 91 किलोग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC मेरी काम का संबंध है, तो MC मेरी काम बॉक्सिंग से रिलेटेड है। एंड आपके विजेंद्र सिंह भी ओलंपिक में पदक जीते हैं, वो भी बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। एंड इनका पूरा नाम है मैंगते चंगनेई जेंग मैरी कॉम। एक भारतीय महिला मुक्केबाज है, ये मूल रूप से मणिपुर की निवासी हैं। मैरी कॉम 2001 से 2019 तक कुल 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में विजेता रह चुकी है। एंड इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में 5 पदक जीता था। इस 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक तथा 1 कांस्य पदक प्राप्त करने में सफल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। एक आमतौर पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर हेतु अधिकतम आयु जो होता है 40 वर्ष निर्धारित की गई है। एंड दोस्तों अभी 30 क्वेश्चंस और है इसी से रिलेटेड। ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब मैं इससे रिलेटेड 30 और क्वेश्चंस आपको हल करा रही हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि रिंग के 4 कोनों को किन रंगों से चिन्हित किया जाता है? तो रिंग के चारों कोने जो होते हैं वह लाल, नीला और 2 कोने सफेद, 2 कॉर्नर सफेद होते हैं। 2 कॉर्नर लाल और नीला होते हैं, 1 लाल 1 नीला, और जो 2 कॉर्नर होते हैं वो सफेद कलर का होता है। नेक्स्ट है, रिंग के रस्से प्लेटफॉर्म के कितने अंदर रहते हैं? तो जो रिंग में रस्से लगाए जाते हैं 3 से 4 रस्से, वो प्लेटफॉर्म से कितने अंदर रहते हैं? तो 1.5 फीट, कितना? 1.5 फीट अंदर रहते हैं प्लेटफॉर्म के। एंड नेक्स्ट है कि रस्सों का ब्यास कितना होता है? जो रस्से लगाए जाते हैं उसका ब्यास जो होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 4 सेंटीमीटर मोटा होता है वो रस्सी। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लव्स का भार कितना होता है? अभी जस्ट आपने देखा है 8 से 10 अंश होता है, तो यहाँ पे 10 अंश आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि गम शील्ड नामक उपकरण किस देश में, किस खेल में प्रयुक्त नहीं होता है? दोस्तों तो कबड्डी में गम शील्ड प्रयोग नहीं होता है, उसके अलावा जूडो, कराटे एंड बॉक्सिंग में गम शील्ड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में कितने राउंड व प्रत्येक राउंड कितने समय का होता है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। अभी मैं जस्ट बताई हूं कि पुरुषों के लिए 3 राउंड 3-3 मिनट के एंड महिलाओं के लिए 4 राउंड 2-2 मिनट के होते हैं। प्रत्येक राउंड के बीच 1 मिनट का गैप होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पिनवेट कैटेगरी बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होता है? तो पिनवेट कैटेगरी जो है वो बॉक्सिंग के लिए महिला के लिए होता है। किसके लिए कौन सा कैटेगरी होता है दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो पिनवेट कैटेगरी किसके लिए होता है बॉक्सिंग में? महिला के लिए।
एंड नेक्स्ट है कि सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होता है, तो सुपर हैवी वेट जो है वो पुरुषों के लिए होता है, पिन वेट कैटेगरी महिलाओं के लिए होता है, दोनों चीजें याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है 2008 राजीव गांधी खेल रत्न विजेता अमेरिका किस वेट कैटेगरी में थी, तो ए लाइट फ्लाइट वेट 48 किलोग्राम कैटेगरी की है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग में रेफरी कितने होते हैं, तो बॉक्सिंग में एक रेफरी होता है, कितना होता है, एक रेफरी। एंड नेक्स्ट है कि रिंग के कैनवास का रंग कैसा होता है, तो जो रिंग का कैनवास होता है वो नीले कलर का होता है। एंड नेक्स्ट है अगर किसी बॉक्सर की आई साइट कमजोर हो तो निम्न में से उसे किसके लिए प्रतिबंधित नहीं है, तो यहाँ पे तीन चीज के लिए प्रतिबंधित है और एक चीज के लिए प्रतिबंधित नहीं है, जिसको आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको छांटना है। यहाँ पे आसन नंबर ग जो है शॉर्ट कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकते हैं, शॉर्ट यदि आपका आई साइट कमजोर है तो आप शॉर्ट कॉन्टेक्ट लेंस लगा करके खेल सकते हैं, बट यहाँ पे तीन माने नहीं है, चश्मा नहीं लगा सकते हैं, किसी प्रकार का लेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा खिलाड़ी खेल नहीं सकता, खेल सकता है दोस्तों शॉर्ट कॉन्टेक्ट लेंस लगा करके खेल सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग के कितने ऊपर तक रस्से बंधे रहते हैं, तो दोस्तों 1.3 मीटर तक, ठीक है 1.3 मीटर तक रस्से बंधे रहते हैं, इसमें चार रस्से होते हैं, तीन से चार, इसमें से प्रथम रस्सा जो होता है 40 सेंटीमीटर ऊपर होता है, उसके बाद 30 सेंटीमीटर के गैप पर लगाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला रस्सा 40 सेंटीमीटर ऊपर, उसके बाद 30 और जोड़ दीजिए 30 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर पर दूसरा रस्सा, फिर उसमें 70 में 30 जोड़िए तो 70 30 100 हो जाएगा, तीसरा रस्सा 100 सेंटीमीटर पर ऊंचाई पर, एंड 100 में 30 जोड़िए 130 सेंटीमीटर यानी चौथा रस्सा 130 सेंटीमीटर ऊंचा ऊंचाई पर होता है, यानी कि रिंग के कितने ऊपर तक रस्से बंधे रहते हैं 130 सेंटीमीटर यानी कि 1.30 मीटर तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग का सबसे निचला रस्सा रिंग की सतह से कितना ऊपर होता है, अभी जस्ट मैं बताई हूँ 40 सेंटीमीटर ऊपर होता है पहला रस्सा, कितना ऊपर होता है 40 सेंटीमीटर ऊपर होता है, दूसरा 70 सेंटीमीटर, तीसरा 100 सेंटीमीटर, चौथा 130 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों साइड के रस्सों को बराबर अंतर पर रखने के लिए प्रत्येक साइड पर कैनवास का प्रयोग किया जाता है, उस कैनवास की चौड़ाई क्या होती है, तो उस कैनवास की चौड़ाई होती है 3 से 4 सेंटीमीटर, कितना होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग पर चढ़ने के लिए कहां कहां पर सीढ़ियां लगी होती हैं, तो दोस्तों यहाँ रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर, व्हाइट कॉर्नर, इन सभी पर सीढ़ियां लगी होती हैं रिंग पर चढ़ने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई खिलाड़ी नॉट आउट की स्थिति में आता है तो विपरीत खिलाड़ी उस वक्त कहाँ खड़ा होता है, तो विपरीत खिलाड़ी उस वक्त रेफरी द्वारा बताए गए न्यूट्रल कॉर्नर पर खड़ा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राउंड में अधिक से अधिक कितने 8 काउंट किए जा सकते हैं, तो 3 8 काउंट किए जा सकते हैं, यानी कि एक राउंड में अधिक से अधिक कितने 8 काउंट किए जा सकते हैं, तो 3 बार 8 8 काउंट आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट आउट को किस चिन्ह से चिन्हित किया जाता है, तो के से चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है के ओ से चिन्हित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर रेफरी खिलाड़ी को वार्निंग देता है तो उसके कितने अंक काटे जाते हैं, तो अगर रेफरी खिलाड़ी को वार्निंग देता है तो उसके 1 पॉइंट काट लिए जाते हैं, कितने 1 पॉइंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक खिलाड़ी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को लो ब्लो करता है तो रेफरी के सामने कौन से 2 निर्णय लेने के विकल्प होंगे, अगर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी चोट की शिकायत करता है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा या 8 काउंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी खिलाड़ी के बाउट के दौरान सिर पर प्रहार किया गया हो और वह नॉकआउट हो गया हो, नॉट आउट है, नॉकआउट नहीं, नॉट आउट हो गया हो, तो
तो वह कम से कम कितने दिनों तक अगली बॉक्सिंग किसी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता? तो कम से कम 30 दिन तक वो भाग नहीं ले सकता। सिर पर प्रहार किया गया हो बाउट के दौरान और वह नॉट आउट हो गया है तो कम से कम कितने दिनों तक नहीं खेल सकता अगला बॉक्सिंग प्रतियोगिता? तो 30 दिन तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग खेल में LOC से क्या तात्पर्य है? तो बॉक्सिंग खेल में LOC से तात्पर्य है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, बॉक्सिंग की स्कोरिंग पद्धति किस पर आधारित है? तो बॉक्सिंग की स्कोरिंग पद्धति 10-point must सिस्टम पर आधारित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग खेल में जो जज नियुक्त होते हैं उनकी सीट यानी जगह किस पद्धति पर आधारित होती है? तो लॉटरी के आधार पर। जो बॉक्सिंग खेल में जज नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी जो जगह होती है, सीट होती है, किस पद्धति पर आधारित होती है? लॉटरी के आधार पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बॉक्सिंग के सभी निर्णयों का सर्वे सर्वा किसे माना जाता है? तो पर्यवेक्षक जो होता है, सुपरविजन, उसको सर्वे सर्वा माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बॉक्सिंग के खिलाड़ी की कमर पर जो बेल्ट होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? तो जो कमर पर बेल्ट होती है बॉक्सिंग में, तो उसकी मोटाई जो होती है 6 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। कितनी चौड़ाई होती है मोटाई? 6 से 10 सेंटीमीटर तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ियों का वेट कब लिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता की वाली सुबह को या बाउट से 6 घंटे पहले, इन में कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, इसको ढूंढना पड़ेगा आपको और मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी कितनी अवधि के अंदर फाइनल बाउट को छोड़कर प्रोटेस्ट कर सकता है? तो फाइनल बाउट को छोड़कर एक खिलाड़ी कितनी अवधि के अंदर प्रोटेस्ट कर सकता है? तो कितनी अवधि के अंदर? 15 मिनट के अंदर। कितना? 15 मिनट के अंदर। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग के रस्सों वाले क्षेत्र की लाइन के चारों तरफ जो बचा हुआ क्षेत्र होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? यानी कि रिंग के रस्सों के क्षेत्र की लाइन के चारों तरफ जो एरिया होता है, जो बचा हुआ क्षेत्र होता है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो उसकी चौड़ाई होती है 85 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था बॉक्सिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बॉक्सिंग के बारे में अभी आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ सकता, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और दोस्तों यदि फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।